नाल शहजादा हामिद तशरीफ ला रहे हैं। सामने देखो और खड़े रहो, बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए इनको, कैद कर लिया जाए? शेरशाही मेहमान है, सैर व तफरी की गरज से इन्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन मुगले आजम का ये हुक्म है, इनको कैद खाने में डाल दिया जाए। हुक्म बदले भी तो जा सकते हैं। वो कैसे? आपको ढेरों शर्फियों से नवाजा जाएगा। हम खुश हुए, बहुत बामलेज़ होशियार। शाही मेहमान शाही शहजादा तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हामिद व्लॉग चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम आए हुए हैं मीनार ए पाकिस्तान और शाही किला और बादशाही मस्जिद। आज हम आपको इन चीज़ों का विजिट करवाएंगे और हम आपको शाही किला भी लेकर जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चले शुरू। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो गाइस ये 500 ईयर ओल्ड है। प्रेजेंट फोर्ट को थर्ड मुगल एम्परर अकबर ने स्टार्ट करवाया था 1566 में। तो इस फोर्ट को अकबर से पहले जो थे वो मड फोर्ट होते थे। अकबर के बाद अकबर के सन, ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड सन ने बनाया। फोर जनरेशन इस फोर्ट को बिल्ड करवाया 107। तो फर्स्ट गेट जो आपको ये नीचे नज़र आ रहा है ना, गेट का, यहाँ से फोर्ट स्टार्ट होता था। इसका गुड नेम है अकबरी गेट, लेकिन इसका सेकेंड नाम है मस्ती गेट। इसके आउटसाइड पे अकबर ने एक मस्जिद तामीर करवाई थी, जो पंजाबी में मौज काल कहते हैं, मस्जिद, जो मस्जिद का बिगड़ा हुआ नाम है। वहाँ से जब आम लोग दाखिल होते हैं तो वो इसको मस्जिद से मस्ती गेट कहते थे, जिसकी वजह से आज भी इस गेट को हम इंटू मस्ती लिखते हैं। लाहौर के दरवाजे 12 थे, जिनमें 2 अकबरी गेट थे, एक देवी दरवाजे के पास और एक कले के अंदर था। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, हमारे बिहाइंड जो है इसे झरोके दर्शन कहते हैं, जिसको बेटा अकबर ने एक नाम निहाद दीन बनाया था, जिसे अब दीन अलाई दीन अकबरी कहते हैं। तो यहाँ पर अकबर जलवा फूज होता था। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां इसे अदल इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते थे। तो मुगल के बाद सिख जब आए, सिख खाना जंगी के दौरान ये गिरा। यहाँ 3 कम्युनिटी, 3 इतिहास ने रूल किया, मुस्लिम, सिख और अंग्रेज़ की खाना जंगी के दौरान जब ये बिल्डिंगें रीबिल्ड इसको कराया दोबारा से, तो अंग्रेजों ने आर्मी हॉस्पिटल बना दिया। इसकी जो स्ट्रक्चर है सारा वो रेलवे स्टेशन की तरह है। यहाँ से खड़े होके वो सामने मीनार देखे। तो गाइस जिस जगह को हम देख रहे हैं, ये अभी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ये लगाए हैं। असल ओरिजिनल ये स्टेयर जाती है इसके नीचे। हम फोर्ट के थर्ड लेवल के ऊपर खड़े हैं। 80 फीट, ये जंदान होते थे, कैद खाने होते थे। तो कैमरे को नज़दीक में आए, यहाँ से रैबल लोगों को, कैदियों को निकाला जाता था और ये स्टेयर के थ्रू जब उनको ऊपर ले आते थे, तो जहाँ पे ये हाफिज़ साहब और मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे आम आदमी खड़ा हो जाता था, फरियादी जो होते थे। और ये सिटिंग एरिया होता था जहाँ बादशाह जलवे अफरोज़ होते थे। राइट लेफ्ट साइड के उनके एडवाइज़र होते थे, जो शाही फरमान को कलम बंद करते थे, जैसे मदरसों में तालीमात दी जाती है, इस तरह भी होते थे आज वहाँ पे। और इन गैलरीज को बोलते हैं गुलाम गर्दिश, बिहाइंड मीटिंग रूम थे जहाँ बादशाह के दौर में मीटिंग करते। इसके अंदर जितना साइंस स्टोन लगा हुआ है, ये राजस्थान के शहर जयपुर से आता है और 900 किलोमीटर सफ़र है। मेजर ट्रांसपोर्ट एलिफेंट्स होती थी, ये हाथियों की मदद से वहाँ से बाई रोड लेके आते थे। और ये वन पीस होता था, एक ब्लॉक्स की सूरत। ये तमाम आर्चेस बराबर हैं हाफिज़ साहब, लेकिन डिस्टेंस जब होती है तो हाइट्स कम हो जाती है। जैसे हमने सेंटर में मस्जिद के मीनार को देखा, इस तरह हम आगे के देखाएंगे, तो ये तमाम रूप बराबर है, लेकिन यहाँ देखें आपको वन एंड वन नज़र आता है। तो जब वो हमसे दूर होता है तो उसकी हाइट्स कम हो जाती है, वो हमें छोटा लगता है डिस्टेंस होने की वजह से, लेकिन है सारा कुछ बराबर। इसमें छत टेढ़ी नहीं है, सिर्फ दूर होने से हाइट्स कम होती है। ये आपके बिहाइंड हमेशा जो रूम्स गिरे हुए हैं, जो ब्रोकन हुए हैं, ये अकबर का पैलेस होता था, जो अकबर की रहश है। और ये रूम सारे ऊपर से कवर थे, इनको बनाने के लिए अकबर ट्रिक के टाइम में जब फोर्ट को स्टार्ट किया तो 9 चीज़ों का स्लूज होता था, जिसमें हम कुछ चीज़ें हमें सब खाते हैं, जैसे एग। स्लूज के साथ जो कले बनाते थे, उनकी उम्र तकरीबन 1000 साल होती थी। और जो जोसेफ ने कॉन्सेप्ट दिया था ना सीमेंट का, जो जोसेफ सीमेंट लेके आया था, जो उन्होंने 13 ईयर तक स्ट्रगल की थी, उसकी उम्र सिर्फ 100 साल होती है। तो अगर सीमेंट के साथ फोर्ट बनता तो ये 5 दफ़ा गिरना था, लेकिन ये स्लूज के साथ बना भी ये 500 साल और मज़ीद जिंदा रहेगा। और बोलता रहे, तो ये जोध अकबर की रहस है, जो रूम्स ब्रोकन हुए आपको नज़र आते हैं ना, जहाँ तक आप देखेंगे आपका कैमरा काम करेगा, इसके साथ ये पिजन बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमारे राइट साइड पे ऐसे कैमरा घुमाएंगे आप लोग, जहाँ से ये फैमिलीज आ रही है। इसकी बिहाइंड बिल्डिंग्स की भी अकबर के कुछ पैलेस थे, अकबरी सराएँ थी। तो लेकिन ये स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है, ये अकबर के पैलेस के कमरे हैं।
यहाँ से अगर आप अपना फोकस करेंगे बैक साइड पे, आप बिहाइंड देखेंगे तो जहाँ छत के अंदर हमें पंखा लगा होता है, सीलिंग फैन जैसे लगता है, वहाँ पे आपको एक फेस नजर आएगा। तो प्लीज कैमरे को करीब लेके आइएगा, जरा हम अपने ऑडियंस को दिखाते हैं जो देखने वाले हैं। रूम्स के अंदर आपको एक फेस नजर आता है, सर्कल के अंदर एक सन बना हुआ है, सन के अंदर आपको जो लाइन्स नजर आती हैं ये अफगानी स्टोन के साथ डिज़ाइन की जाती थी, जो लैपिस लजूली अफगानिस्तान से पत्थर आते थे उनका पाउडर बना के। और साइड पे जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, वो बिट गोल्ड, जिसे गोल्ड वर्क आप गिल्ड कहते हैं, गिल्ड वर्क जो होता है, गिल्ड वर्क के साथ ये काम किया गया। इतराब में कन्वेक्स मिरर कनीजे दिए रखती थी, वो जब रोशनी उसके ऊपर पड़ती थी ये शाइन होता था। तो सूरज की पहली किरण में अकबर जो होता था वो बैठते थे, उसके बाद जोधा और अकबर, फिर जाके अकबर अपना फेस शो कराता था, जो हम थ्रोन देख के आए यार रेडी, तो आम लोग आके बादशाह का चेहरा देखते। बिल्डिंग के ऊपर अब हामिद साहब के बाइक साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये ऑफिस है, लेकिन हैज इट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये खड़क सिंह का महल था। हामिद साहब इसके बारे में मशहूर है, जो कहते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये खड़क सिंह का महल था जिसको उसके बेटे नौनिहाल ने मरवा दिया था अपने बाप को, क्योंकि उस वक्त प्रोसिक्यूशन कत्ल होते थे, सिलेक्टेड किंग नहीं होते थे, तो फैमिली इकदार के लिए लड़ती थी। उसमें ये नहीं होता था कि बादशाह बड़ा बेटा बनेगा छोटा बनेगा, जो भी इकदार में हैवी होता था वही बादशाह बनता था। तो बिहाइंड जो खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, इसको हवेली ऑफ माई जिंदा कहते हैं। हमें से ये महाराजा रणजीत सिंह की जो लास्ट वाइफ थी उसका बेडरूम है, हवेली ऑफ माई जिंदा। हाँ, और जो सिख रूलर्स हैं उन्होंने पंजाब के ऊपर 50 साल के करीब हुकूमत की है, और सिखों का पंजाब जो है वो कुछ इंडिया के पास है, चंडीगढ़ कुछ पेशावर में चला गया है, मुल्तान ये सारा कश्मीर का जो पार्ट है ये मुकम्मल एक पंजाब होता है। तो रणजीत सिंह जिसका ये सामने आपको बेडरूम नज़र आ रहा है, इसकी बॉर्न प्लेस जो है वो लाहौर फोर्ट के अंदर ही है। इसकी बॉर्न प्लेस जो है ना वो इनकी असल सॉरी इनकी टॉम जो है वो लाहौर के अंदर है, बॉर्न प्लेस गुजरांवाला सिटी है, ये वहाँ पैदा हुए थे। तो ये दरमियान में जो नज़र आ रहा है, करीब आए ज़रा यहाँ क्लोज करते हैं, हमारे भाई साहब की जो हमें बिल्डिंग नज़र आ रही है ये शहजादे सलीम का बेडरूम है। सलीम जो है शेख सलीम नूरुद्दीन जहांगीर जिसे कहते हैं, वो एक ही मुगल एम्प्रेस है, लेकिन उसके नाम तामीर इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि सलीम जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वालों की दुआ से पैदा हुआ था। तो अकबर के बच्चों की पैदाइश के दौरान ही जिंदगी ख़त्म हो जाती थी, तो सलीम की वजह से अकबर जोधा के साथ नंगे पांव चाल के अजमेर शरीफ भी गया, और वहाँ फतेहपुर सिकरी में उन्होंने शहर भी आबाद किया था। तो हमारे बिहाइंड जो खूबसूरत बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये बेडरूम है सलीम का। 1605 में 1605 में ये बिल्डिंग बिल्ट हुई थी, और इसकी मिड में जो जगह नज़र आती है, फाउंटेन और खूबसूरत प्लेस देख रहे हैं, यहाँ रॉयल फैमिली की म्यूज़िक नाइट्स होती थी जिसे आप कथक कहते हैं, और पूरी रात का चांद देखते थे। तो रॉयल फैमिली बड़ी रोमांटिक सी होती थी, सारी बिल्डिंगें ही उन्होंने ये बनाई और ये चीज़ें इन्जॉय की। ईस्टर्न और वेस्टर्न जो आपको हम सब नज़र आ रहे हैं रूम्स, ये दीज आर रॉयल गेस्ट रूम्स, जहाँ पे वन डे टू डे के लिए दिल्ली और आगरा से आने वाले जो मेहमान होते थे उनको ठहराया जाता था, ये उनके गेस्ट रूम्स हैं। जब ब्रिटिश आए तो हमें सब लाइक फाउंटेन एक्सप्रेशन की तरह बने हुए, अंग्रेज जब सबसे बाद में आए तो उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया। देखने वालों को हम दिखाएंगे करीब चल के, तो फाउंटेन जो है वो चेस पीसेस की तरह बने हुए। तो ब्रिटिश दौर में ये पूरा पास जो है ये टाइनस कोर्ट रहा। इसके बिहाइंड हमें सब एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं सहदरा, वो लेबर रूम है, वो बॉर्न प्लेस है फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहां की, जिसका हमने दीवाने आम देखा था। तो शाहजहां की बॉर्न प्लेस है ये रूम्स के अंदर, और इसके बिहाइंड नदी चलती थी जिसे आप रिवर रावी कहते हैं। तो रावी जो है वो आहिस्ते आहिस्ता बैक पे चला गया है, पुराने वक्तों में रिवर इसके साथ चलता था। तो आपके चैनल के तवज्जो से जो देखने वाले हैं उनको ये बता दें कि ये पार्ट जो है ये 10 साल के अंदर मुकम्मल हुआ और 7,70,000 रुपीज़ भी बना। नेक्स्ट ये गेस्ट रूम है, लेकिन गेस्ट रूम के अंदर एक नई चीज़ जो आपको दिखाने लगे थे वो सामने देखिए, कैलीग्राफी, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने, एलिफेंट्स बने हुए हैं उस साइड पे, आपको आफ्टर डेथ हनुमान नज़र आते हैं, इस साइड पे आपको पीकॉक नज़र आते हैं, साथ ही आप लोग जो सामने आपको नाई नज़र आते हैं। अंडरग्राउंड जब हम मामलात जंगों की सूरत में आते थे या ट्रैवलिंग की शक्ल में आते थे, तो हर किले के साथ जो होता था ना हमेशा एक रिवर होता था। रिवर के बेनिफिट्स ये होते थे, एक तो ट्रांसपोर्ट में काम आता था, और दूसरा उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता था कि वो जंग में आप भागने के लिए, क्योंकि कलों के गिर्द बरूदी सुरंगें लगा दी जाती थी अगर शहर के सेंटर में होते, तो बरूदी सुरंगें जब ब्लास्ट कराते हैं तो फिर आदमी कहीं भी नहीं जा सकते। राइट साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसका दीवाने खास है, ये रॉयल फैमिली और जुडिशियल मीटिंग्स के लिए होती थी, जहाँ एम्बेसीडर मिनिस्टर बैठते थे। दीवाने खास अंग्रेज टाइम में चर्च भी रहा है, ये शाहजहां ने 1645 में बनाया था, और इसके ऊपर जो आपको कलर लगे हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ सेमी स्टोन्स का काम होता था, शेड के नीचे जो होल्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे लैपिस लजूली और रेजेट का काम होता था। पीटीवी के कल्चर्स प्रोग्राम जैसे आपने अक्सर देखते हैं पुराने, जो नाइट गज़लें कवाली नातें होती थी वो भी इस बिल्डिंग के अंदर होती रही हैं। तो अंग्रेज़ टाइम में ये चर्च था, मुगल टाइम में सिर्फ जुडिशियल मीटिंग के लिए होता था। आएंगे प्लीज़।
ये हनीकॉम को डिजाइन की हुई स्क्रीन है अहमद साहब, जिसके आप बैक साइड पे खड़े हैं और मैं सामने खड़ा हूँ, ये सिर्फ रूम कूलर एसी का काम करती थी। जब हवाएं चलती हैं इनको छूती थी, ये मार्बल ठंडे होती हैं और वो आपके पास ठंडी हवाएं पहुंचती थी। बर्नौली या फिजिक है सारी। अहमद साहब ये सिंगल पीस है, ओनली वन पीस है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, और फोर्ट में इतना खूबसूरत काम आप नहीं कहीं देख सकते जिस तरह अभी आपको मैंने दिखाया। तो ये एक पीस के अंदर वो सभी स्टोन लगे होते थे जो निकलवा लिए, अफगानी स्टोन होते थे जो आप ब्रेक करोगे, जब ये फाउंटेन चलता है ऊपर से लाइट पड़ती होगी तो ये कितना खूबसूरत होता होगा आपका सबर मिला। इतना आप उस सारे कर्टन के साथ क्लोज करते और इसके नीचे वाटर चैनल है, वही पानी नीचे भी जाता है जिससे मजीद ठंडा, और इसके बिहाइंड रिवर होता था, आपका सबर मिला है। यहाँ से 400 साल पहले एवरीथिंग की पल्स होती थी, जिस तरह वहाँ के वो डैम से फाउंटेन नज़र आते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क है, तो ये खूबसूरत मनाजर होते होंगे। ये बेसिकली एक खूबसूरत डांसिंग फाउंटेन होता था। हमारे बिहाइंड जो है हम सब आप कैमरे से देख सकते हैं लोग, इसके अंदर सेमी स्टोन लगे होते थे, जैसे हमने पहले एक खूबसूरत फाउंटेन देखा, इसमें लैपिस लजूली अजेड वगैरह का काम होता था। और पीछे जो ये वाइट मार्बल की बिल्डिंग्स है ना, ये मुगल टाइम का पार्लियामेंट हाउस था, पार्लियामेंट हाउस था मुगल का। हाउस ऑफ कॉमन हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया, अब हाउस ऑफ सेनेट के अंदर हम मौजूद हैं। ऐसे नेक्स्ट हमें कैमरे की मदद से ना हम लोग देखेंगे, ये पांच रूम्स वाली एक बिल्डिंग हमें सामने नज़र आती है, इस अकोमोडेशन को ख्वाबगाह शाहजहानी कहते हैं। ये फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहान की ख्वाबगाह है, जिसमें डाइनिंग हॉल, स्लीपिंग चैम्बर, ड्राइंग रूम है। इसके अंदर इंतहाई खूबसूरत ईरानी आर्ट है, जिसे आप स्टको वर्क कहते हैं, अम्बोज है, मोज़ेक है, पेट्रा ड्यूरा काम है, गिल्ड वर्क है। तो इसके अंदर हम आप चल के आपको एक फाउंटेन भी दिखाते हैं, जो पुराना फाउंटेन्स है, कुछ पेंटिंग्स इसके अंदर फ्रेस्को जो फ्रूट्स वेजिटेबल से की गई है। साथ हमारे देखने वाले लोगों के लिए और हामिद साहब के लिए एक बड़ा खूबसूरत प्रोटोकॉल है कि यहाँ पे शाही दरबान है, जो हामिद साहब के खूबसूरत वीडियो बनाएंगे, और आने वाले लोग अगर आएंगे हामिद साहब की वजह से तो उनको ये फ्री प्रोटोकॉल मिलेगा। ओके जी, अब जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं हामिद साहब, ये हरम है रॉयल फैमिली का, वहाँ पे मेल को अथराइज नहीं होता था, डैटम सिर्फ फीमेल होते थे, इसको बोलते हैं पाई। पाई का मतलब होता है पीछे वाला, पोशीदा, छुपा हुआ, अकब के बैक साइड पे पर्शियन जबान का लफ्ज़ है। तो यहाँ डाटा सिर्फ फीमेल काम, तो थ्री डिफरेंट किस्म के बाथ्स हैं, जिनमें ये कूल वाटर है, हॉट वाटर है, देन स्ट्रीम बाथ है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब ये चीज़ें बड़ी अहमियत अब रख रही हैं, जो रॉयल फैमिली आज से 400 साल पहले रहते थे। हमने फाउंटेन का जिक्र किया था कि फाउंटेन ग्रेविटी सिस्टम के साथ चलते थे, मड पाइप होते थे, लेकिन ये देखें सामने मड पाइप आपको नजर आएंगे, इसके ऊपर कवर होता था। ये दीवार के अंदर आपको होल नजर आ रहे हैं, सामने ये सारी रूफ गिरी हुई है, ये मिट्टी के साथ जो डिजाइन किया गया। तो ये 400 ईयर ओल्ड सामने मड पाइप है ओरिजिनल, जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे राइट साइड पे जितनी जगह है ये सारा हमाम है ओवरऑल, और बिहाइंड जरा बी केयरफुल, ये सामने नहाने के लिए सारा ओवरऑल जो है ना हमाम है। इसमें मसाज रूम, परफ्यूम रूम्स होते थे, उनके खुशबू रूम्स होते थे। तो राइट साइड पे ये ट्री जो है ये एक बड़ा नायाब दरख्त है, हिंदुओं के लिए मुकदस दरख्त होता है, बनियन ट्री है, जहाँ जिसके साथ वो धागे वगैरह बांध के प्रे करते हैं, तो इससे अद्वियात भी बनती हैं, इसे बड़ बरगद कहते हैं, डेस्ट्री 250 ईयर ओल्ड। जगह पे हम लोग हैं, ये पाई बाग है, ये खवातीन की वॉक और चहल कदमी के लिए था, ये फाउंटेन है उस वक्त के। राइट और लेफ्ट साइड पे हमें कुछ छोटे छोटे बागीचे नज़र आ रहे हैं, इनको चार बाग आठ प्लाट बोलते हैं। ये वॉक और चहल कदमी के लिए होता था, जिसके अंदर फलदार खुशबूदार पौधे होते थे। हमें सब हम नेक्स्ट जा रहे हैं जहाँ रॉयल फैमिली सन बाथ लेती थी, जो खवातीन के नहाने के लिए स्विमिंग पूल वगैरह होते थे। हाइट्स के ऊपर जो ये नज़र आ रहा है सब, ये जंगी टावर होते हैं, जिनको लाल बुर्ज और काला बुर्ज बोलते हैं। ब्रिटिश ज़माने में इनको क्लब भी बना दिया, अंग्रेज इसे बीइंग एज बार के तौर पर यूज़ करते थे, और वो मिड में जो आर्चेस है यहाँ खड़े होकर वो रिवर का व्यू लेते थे। पुराने में हमारा पंजाबी में बड़ा मशहूर है, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, सत दिन त्याठ मेले घर जावा केड़े वेले। इसका नाम लाल बुर्ज है और इसका नाम काला बुर्ज है। दरमियान में जो बिल्डिंग है ये बंगालियन आर्किटेक्चर को डिज़ाइन की हुई है, इसे बोलते हैं खिलवत खाना। ये इंतहाई तन्हाई के लिए था। ये सामने हमें सब जो है ये स्विमिंग पूल होता था, यहाँ साइड से सब बंद होता था, दरमियान में ओपन था, जहाँ रॉयल फैमिली सन बाथ लेती थी यहाँ से 400 साल पहले। अंग्रेज़ ज़माने में ये बार एरिया भी बन गया, ये भी माइंड में रखिएगा, वो बीइंग एज बार के तौर पर भी यूज़ करते हैं। में हमारा पंजाबी में बड़ा मशहूर है, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, सत दिन त्याठ मेले घर जावा केड़े वेले। इसका नाम लाल बुर्ज है और इसका नाम काला बुर्ज है। दरमियान में जो बिल्डिंग है ये बंगालियन आर्किटेक्चर को डिज़ाइन की हुई है, इसे बोलते हैं खिलवत खाना। ये इंतहाई तन्हाई के लिए था। ये सामने हमें सब जो है ये स्विमिंग पूल होता था, यहाँ साइड से सब बंद होता था, दरमियान में ओपन था, जहाँ रॉयल फैमिली सन बाथ लेती थी यहाँ से 400 साल पहले। अंग्रेज़ ज़माने में ये बार एरिया भी बन गया, ये भी माइंड में रखिएगा, वो बीइंग एज बार के तौर पर भी यूज़ करते हैं।
चांद कौर के लिए बनाया गया था गुरुद्वारा, साथ राइट साइड पे लेडीज मॉस्क है, और वो छोटा कमरे है जहाँ महाराजा रणजीत सिंह ग्रंथ किताब वगैरह का पाठ करते थे, उसके दरमियान में वाइट बिल्डिंग वाली आपको नजर आ रहा है ना, ये जंगले के बाइक साइड पे उसे बोलते हैं आठ दरा, वो महाराजा रणजीत सिंह की कोर्ट थी जहाँ रणजीत सिंह के दौर में शीश महल को कन्वर्ट करके उन लोगों ने अपना मीटिंग रूम बनाया। रणजीत सिंह ने अपनी स्लीपिंग चैम्बर वो पीछे बनाई थी जो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, जो आयुष के ऊपर डबल स्टोरी बिल्डिंग थी जिसे हवेली आप माई जिंदा कहते हैं, वो महाराजा रणजीत सिंह का ही बेडरूम होता था। तो ये सिख टाइम में ये कोर्ट रहा है, जो मुगल का हरम था ना, सिखों ने इसे कोर्ट के तौर पर यूज किया था। ये आपको नजर आते हैं ना स्ट्रक्चर्स जो पीछे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बुनियादें जो हैं, ये सब सर्वे रूम्स हैं जहाँ पे हरम की खिदमत करने वाले लोगों को स्टे कराया जाता था, वन बेड पर मुश्तमिल। उसकी बाइक साइड पे फिर आपको वाइट गुमन नजर आएंगे, वो मोती मॉस्क है। मोती मॉस्क जो है वो रॉयल फैमिली के लिए थी जो शाहजहां ने बिल्ड करवाई थी 1645 में, लेकिन सिख टाइम में उसे कन्वर्ट करके मोती बैंक बना दिया गया था, जिसके बारे में अब और भी जिक्र आता है, वो एक अलग बात है, उसको डिस्कस, वो हिस्ट्री से तो रिलेटेड नहीं है कि ये जिनात वाली मस्जिद बड़ी मशहूर है, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये जिनों वाली मस्जिद है, तो बेसिकली ये मोती मस्जिद रॉयल फैमिली के लिए। जो हम सब के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए एक ऑफर और भी होगी, वो ये होगा कि वो नेक्स्ट टूर आएंगे तो उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। हम सब हमारे बिहाइंड जो हमें ये सनसेट व्यू जो है, ये सिर्फ आपके देख वीडियो जो देखेंगे वो इतना खूबसूरत व्यू देखने लगे हैं, एक खूबसूरत सनसेट का व्यू है, लेकिन बिहाइंड हमारे जो है वहाँ पर तीन चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक हमें आलमगिरी गेट नज़र आता है जो औरंगजेब आलमगीर ने बिल्ड करवाया था, जो सिक्स मुगल एम्प्रेस थे 1674 में, जहाँ से रॉयल फैमिली के गेस्ट और औरंगजेब नमाज के लिए जाते थे। और बादशाही मॉस्क औरंगजेब ने अपने रजाई भाई मुजफ्फर हुसैन की सुपरविजन में बनवाई थी, जो 625,000 रुपीज में बनी थी और 20,000 पीपल ने उसके ऊपर काम किया था। और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको वाइट्स जो नजर आता है वो महाराजा रणजीत सिंह की समाध है। 1839 में रणजीत सिंह पैरालाइज हो गए थे और लाहौर फोर्ट के अंदर जिसे प्लेस ऑफ मिरर कहते हैं, शीश महल में रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी, तो रणजीत सिंह को वहां पे इस वक्त एक फ्लैग है जिसके अंदर एक साइन नजर आता है और उसको डेरा साहब कहते हैं, जो गुरुद्वारे के ऊपर लगा हुआ है। जिस गुरुद्वारे के ऊपर ये साइन लगा होता है वहां पे फूड, मेडिसिन और स्टे फ्री लंगर वगैरह जो होते हैं वो इनके चलते रहते हैं। साथ ये समाधि के साथ गुरुद्वारा जो हमें नजर नहीं आता वो गुरु अर्जन देव का है, जो सिख मजहब के पांचवें मास्टर थे। हम सब हमारे आप रॉयल गेस्ट हैं तो इसलिए हम आपको रॉयल रस्तों से लेके जा रहे हैं। तो इशू ये है कि अब इस वक्त मेरे पास एलिफेंट्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऑन एलिफेंट्स लेके जाता। तो ये 58 स्टेयर थी जहाँ से रॉयल फैमिली हाथियों के ऊपर आती थी, तो इन स्टेयर से हम वॉक करते हुए ये सीधा रास्ता पैलेस के अंदर दाखिल होता था जहाँ पे किंग के बेडरूम्स होते थे। हमें सब ये राइट साइड पर जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इसकी एक्सटेंशन अंग्रेज़ों ने कराई थी और ये स्टोर एरिया था ब्रिटिश दौर में से, बतौर कैद खाना भी इस्तेमाल करते रहे। फिर ब्रिटिश ने एक और नई बिल्डिंग बनाई थी। हमें सब जरा इधर आइएगा, आपको ये कैमरा की मदद से आप लोग देख रहे हो शायद कि ये ग्रीजन स्टाइल बनी हुई एक बिल्डिंग है, तो ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी जहाँ पे वो गन पाउडर वगैरह रखते थे, असला स्टोर करने के लिए था। और ये 58 स्टेयर थी जो नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ वाइट शर्ट वाले ये भाई सामने आपको एक सुवेनियर शॉप छोटी सी नज़र आ रही है, यहाँ से ये स्टेयर स्टार्ट होती थी और इस गेट का गुड नेम है शाहब्रिज गेट। और राइट साइड पर देखेंगे तो कुछ होल बने हुए, ये बुलेट्स के निशान है जो अंग्रेज टाइम में ना यहाँ पे गोलियों के निशान सामने लगे नजर आ रहे हैं आपको, ये अंग्रेज जमाने की गोलियों के निशान है। अंग्रेजों ने इस गेट से हमला किया था और ये रैंप वाला रास्ता सारा ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। ओके जी, तो ये यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ से आप चाय भी ले सकते हैं और यहाँ पुराने जमाने की चीजें भी रखी हुई हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
Yeah.